हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी तड़का फूड पे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको करेला मसाला करेला सब्ज़ी बनाना सिखाएंगे। तो शुरू करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है करेला। करेले को अच्छे से पील कर लेंगे और जो उसके ऊपर के छिलके हैं उसको अच्छे से पील करके निकाल लेंगे और इसको ऐसे लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेंगे। और जो छिलके हैं वो हमको फेंकने नहीं हैं, वो बाद में काम आएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे कुकर के अंदर सारे करेले को डाल के हमको इसको पका लेना है। बेसिकली हमको इसको चढ़ा लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है तिल। तिल को मिक्सी में डाल के हम तिल को पीसने वाले हैं। ये हमारे तिल पीस चुके हैं। उसके बाद हमने इसको निकाल के रख लिया है। फिर हम इसमें डालेंगे प्याज, लहसुन एंड ग्रीन चिली और अदरक। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करके इसका भी हम पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे सारा मसाला पीस लिया है। अब हम हमारी सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं कि वो चढ़ी है या नहीं। हम हमारी सब्ज़ी को देख लेंगे और जो भी करेले हमने पकाने के लिए रखे थे वो सारे बिल्कुल पक चुके हैं। हमने उनको एक प्लेट में निकाल लिया है। उसके बाद अब हम करेंगे सब्ज़ी फ्राई। तो यहाँ पे हमने ऑयल लिया है। ऑयल के अंदर हमने जो ग्रीन चिली वाला जो पेस्ट बनाया था सबसे पहले हमने इसमें वो डाला है। अब इसको पकाएंगे। फिर जब ये अच्छे से पक जाए उसके बाद हमने यहाँ पे डाला है धनिया पाउडर। फिर हमने यहाँ पे डाला है सौंफ। फिर हमने यहाँ पे डाला है जीरा। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद जो छिलके जो सब्ज़ी के निकाल के हमने रखे थे, जो पील करे हुए छिलके थे, हमने वो इसमें डाला है। इसको इसमें अच्छे से पकने देंगे। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे डाला है हल्दी पाउडर, फिर रेड चिल्ली पाउडर, फिर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। दैट्स इट। हम अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इस मसाले को अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद हमने जो तेल का जो पाउडर बना के रखा था हम वो इसमें डालेंगे। और हमने यहाँ पे डाली है चीनी थोड़ी सी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, पक जाए सारा मसाला, उसके बाद हम इस सारे मसाले को निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमने जो सब्ज़ी डाली थी उसमें कट करके डाली थी, अब उसमें सारा मसाला हम फील कर लेंगे एक एक करके। सेम इसी प्रोसेस से थोड़ा थोड़ा मसाला आपको अच्छे से फील कर लेना है करेले के अंदर। उसके बाद सेम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के हम ये सारे करेले को उसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, हमने सारे करेले इसमें डाल दिए और इसको अच्छे से इसमें पकने देंगे।
ये हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है, मसाले वाली करेले की सब्जी, ग्रेवी वाली, जो कि बहुत टेस्टी एंड बहुत ही अमेजिंग सी लगती है। तो अगर आपको ये सब्ज़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। सी यू गाइज़ इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।